चालबाज पत्नी ने प्रेमी संग गुपचुप तरीके से लिए फेरे। पति ने पत्नी वापसी के लिए प्रशासन से लगाई गुहार। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो आत्माओं का मिलन होता है, जहां दो आत्माएं मिलकर एक हो जाती हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखने बहुत कम मिलता है। आजकल पति पत्नी के रिश्ते में बहुत झगड़े होते हैं और झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पति पत्नी में से किसी एक का आकर्षण किसी दूसरे व्यक्ति या महिला से हो जाता है और फिर इस तरह के उपजे प्यार को आगे के लिए इंसान सब कुछ भूल जाता है। ऐसा ही दिलचस्प वाक्या भिंड जिले के महिला डेस्क जिला डेस्क प्रभारी पूनम थापा के बने में आया, जहां पर एक महिला के द्वारा अपने पति को बिना बताए अपने प्रेमी के साथ वैवाहिक संबंध में बंधना होना बताया गया है। हालांकि दोनों का विवाद परिवार कोर्ट में पहले से ही लंबित है। शादी की जानकारी मिलते ही पति के द्वारा महिला डीएसपी पूनम थापा के पास जाकर रो रो कर गुहार लगाई है कि मुझे मेरी पत्नी को इस व्यक्ति से दिलवा दो। विवादित स्थिति में डीएसपी पूनम थापा को असमंजस की स्थिति बनती दिखाई दी। जब पत्नी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने इस व्यक्ति के साथ शादी कर ली और मैं बराबर इसके साथ रह रही हूँ, आगे भी रहूंगी। मैं अपने प्रेमी के बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। प्रेमिका प्रकरण का कहना है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की होने वाली माँ को जानता हूँ। इस पूरे प्रकरण में डीएसपी पूनम थापा ने वैधानिक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब हम क्या बोले, जब ये इतना झूठ बोल रहे हैं तो अब क्या कह सकते हैं? ये तीन साल आप इनके साथ चलेगी ना? इनके साथ चलेगी जब ये लेने नहीं आए। पहली बात तो ये, तीन साल हो गए ये लेने नहीं आए मुझे, और झूठा आरोप लगा रहे मेरे का। 6 महीने के दिल्ली रखा है, दिल्ली रखकर 6 महीने का, 3 महीने तो मैं बीमार रहती, 1 महीने का ये। हम तो राखी के अनुमति के अनुसार शादी की ना हमने तो सर। तो इनका कहना है कि आपने इनकी पत्नी रखी है? हमको तो जानते नहीं, हमको क्या मालूम। हम तो राखी के पास गए थे, इनके मम्मी पापा बोले हमारी लड़की शादी कर लो, हमने कर ली। और राखी से मर्जी से शादी हुई, पहले मंदिर से फिर कोर्ट से। आपने पत्नी इनकी छुड़ा ली है? ले हमने, हम क्यों छुड़ाए, कोर्ट से शादी की हमने। हमारी तो कोर्ट से शादी हुई, पहले घर से हुई थी। पर तो अभी इनकी इनकी पत्नी आपके साथ रह रही है ना? हमें पसंद नहीं है, मैं तो राखी को जानता हूँ, हमें पसंद नहीं है वो। तो किसके साथ रह रही है इनकी पत्नी? 2017 में हमारी 4 मार्च को शादी हुई थी इनके साथ में। उसके बाद में ये हमारे साथ रहे नहीं बिल्कुल। 3 साल हो गए हमारे केस को चलते चलते, ये 4th साल है। और ये हमारे ऊपर, हम इनको मेंटेनेंस का दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हम दिल्ली से आके तारीख करते हैं, हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। तो तुम्हारी पत्नी इसने छुड़ा ली है इस आदमी ने? हाँ बिल्कुल जी, हम क्या कहेंगे, क्या इन्होंने छुड़ा ली है, छीन ली है। और ये शादी कर ली है इन्होंने, दूसरी शादी कर ली है। हम इनको भरण पोषण दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ऊपर से ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप 2 लाख रुपए हमें दो और दहेज का सामान सारा पहले दो, उसके बाद में हम राजीनामा करेंगे। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो पत्नी इनके साथ चली गई, ये अपनी मर्जी से हमारा घर छोड़ के आए थे। हम तो इनको दिल्ली में भी रखा था 6 महीने, ये अपनी मर्जी से घर छोड़ के आए थे। हमने इनसे ना ही हमारा कुछ हुआ है, जब इन्होंने तो आरोप लगाया। आप मैडम के पास आए तो अपनी पत्नी की गुहार लगाने आए हो, मेरी पत्नी दिलवा दें? हाँ, हम तो यही कहना है, हमारी पत्नी हमें वापस चाहिए। ये मामला है एक धर्मन जाटव का, जो कि महगांव का रहने वाला है। उसकी शादी को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। राखी नाम की एक लड़की से उसकी शादी हुई थी 4 साल पहले। इसकी पत्नी 6-7 महीने इसके साथ रही है, उसके बाद इसके साथ नहीं रही वो। और इसकी पत्नी उसके साथ रहना भी नहीं चाहती है। और अभी इसको पता चला 1-2 महीने में कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। इस तरीके से तो वो पूरे कागज़ लेके आया है कि मेरी पत्नी की शादी हो गई है किसी दूसरे के यहाँ। और ऊपर से ये भरण पोषण भी इसको लगातार 3-4 साल से दे रहा था। इसकी पत्नी इसके साथ जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन चूंकि ये एक तरीके से फ्रॉड हुआ उसके साथ कि उसकी बिना तलाक, उसका तलाक भी नहीं हुआ, उसकी पत्नी ने उसके साथ दूसरी शादी कर ली, तो इस मामले को देख रहे हैं हम। मैंने अभी तलाक तो हुआ नहीं है, तो तलाक नहीं हुआ है। हिंदू विवाह अधिनियम ये कहता है कि अगर पहले पति के जिंदा रहते हुए या पत्नी या पति दूसरी शादी कर लेते हैं तो उसमें 494 का एक इस्तिगाशा लगाया जाता है न्यायालय में। तो अभी अब मैं दिलवा नहीं सकती हूँ, क्योंकि पत्नी का भी ऐसा कहना है कि वो अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है, वो दूसरे पति के साथ ही रहना चाहती है, चूँकि लड़की प्रेग्नेंट भी है दूसरे पति से। तो अभी देखते हैं, मामले को सुलझाते हैं पूरी तरह।